इसका कलर हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही लाइट सा चाहिए तो आप एक ही बार इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर अगेन अप्लाई कर रही हूँ और इसको अच्छे से मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी और पाउडर से अच्छे से इसको सेट कर लूँगा। वही सेम शेड पाउडर का मैं यूज़ कर रही हूँ, साइडों से इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और इसके नीचे भी अच्छे तरीके से इसकी शेप बना रही हूँ। और फिर मैं अप्लाई करूँगी अपने ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए। डल गोल्ड शेड यूज़ कर रही हूँ, आई शेडो पैलेट में यूज़ कर सकते हैं और इनर कॉर्नर को हाईलाइट करने के लिए भी सेम वही शेड मैं अप्लाई कर रही हूँ और इसके एजेस को अच्छे से ब्लेंड करूंगी अपने ब्लेंडिंग ब्रश से। और इन सारे शेड्स को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। ब्लेंडिंग के बाद आप ये देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। और यहाँ पे आपने आईलाइनर अप्लाई करना है। आईलाइनर आपको जैसा भी पसंद हो आप बहुत ही बारीक सा भी अप्लाई कर सकते हैं और मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ विंग आईलाइनर। और इसको अप्लाई करने के लिए आप ये तकनीक यूज़ कर सकते हैं। जब आप इनर कॉर्नर पे अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ जाते हैं जिसकी वजह से इनर कॉर्नर बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है और काफ़ी आईलाइनर अगर वाटर लाइनर हो जेल लाइनर ना हो तो वो फैल भी जाता है। तो आपने इस तरह से अपना आईबॉल जो है ना उसका ये एंगल रखना है और इस तरीके से आपने इनर कॉर्नर बनाना है। और इनर कॉर्नर बनाने के बाद यहाँ पे मैं विंग क्रिएट कर रही हूँ इस तरह से। अच्छा, आपने ये ज़रूर सोचा होगा कि आपने ऑरेंज कलर करेक्टर क्यों यूज़ किया। आप आई शेडो पैलेट में भी तो ये सेम शेड यूज़ कर सकती थी, बिल्कुल यूज़ कर सकती थी, लेकिन ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए शेयर की है जो बिल्कुल जिनकी मेकअप के बाद बिल्कुल हार्ड सी लुक आती है, बिल्कुल अच्छा सा मेकअप ब्लेंडेबल मेकअप नहीं होता जिनका, वो इससे बहुत ही अच्छे से ब्लेंडेबल मेकअप कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आपने बहुत ही प्रोफेशनल सॉफ्ट सा आई मेकअप लुक किया है। अच्छा जी, आपने अच्छे से मस्कारा अप्लाई कर लेना है। मस्कारा अप्लाई करने के बाद आपको जो भी जिस भी तरह की आपको आईलैशेस पसंद हो आप वो आईलैशेस यूज़ कर सकते हैं। क्रिस्टीन की मैंने आईलैश ग्लू यूज़ की है जो कि मेरी फेवरेट है, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है। इस तरह से मैं इसको अप्लाई करूँगी आईलैशेस को और ये अच्छे से अप्लाई हो चुकी। और वाटर लाइन पर मैं अप्लाई कर रही हूँ सीवीबी की ये वाइट पेंसिल। मैं क्योंकि स्मॉल आई मेकअप कर रही हूँ, आँख को बड़ा दिखाना है तो आपने वाइट पेंसिल अप्लाई करनी है ताकि आँख खुली खुली बड़ी बड़ी आँख लगे। और अगर आप बड़ी आँख पे इस तरह से मेकअप कर रहे हैं तो आप ब्लैक काजल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा इस आई मेकअप लुक के साथ। आई होप कि आपको ये सिंपल सॉफ्ट सी आई मेकअप लुक ये सारे हैक्स बहुत पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर न्यू है